हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह की शुरुआत और रक्षाबंधन की शुरुआत तो ये तानी बांध रही हैं कान्हा जी को। पहले राखी मैंने सुबह पूजा कर दी थी, इसके बाद मैंने राखी भी बांध दी थी सारे भगवान जी को, और इसके बाद अब आ गया है तानी का नंबर। तो हम दोनों ही राखी बांधते हैं भगवान जी को अलग अलग। तो अब तानी ने भी नहा धो लिया था, और किसी किसी के यहाँ 30 तारीख को राखी थी और किसी ने 31 को मनाई थी। तो हम लोगों ने भी 31 को ही मनाई थी सुबह। और एक तरफ मैंने खाना भी बना के रख दिया है। खाने में आज मैंने बनाया है पनीर की सब्जी, रायता, खीर, सेवइयों वाली और पूड़ियाँ। तो इतनी चीज़ें मैंने बनाई हैं भगवान को राखी बांधने के बाद। और सबको राखी बांधने के बाद हम खाना पीना कर लेंगे। तो बस इसीलिए। और तानी कुछ मुझसे पूछते जा रही थी कि हाँ ऐसे करके खिला दो या लगा दो, क्योंकि आजकल चींटियाँ बहुत आ रही भगवान जी के पास भी, और सभी जगह चींटी बहुत आ रही है। तो हम लोग प्रसाद रख के थोड़ी देर ही रख के और फिर उठा लेते हैं, जिससे कि वो फिर फैल जाती, फिर भगवान जी को भी काटती होंगी मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हम लोग प्रसाद थोड़ी देर बाद उठा लेते हैं। और ये ऐसी ऐसी राखी ना बहुत बचपन से चल रही हैं भगवान जी के लिए। कभी इस तरह की आती है, कभी हल्की सी रुई वाली आती है जिनमें एकदम वो लगा होता है नेचुरल कलर। और कान्हा जी को बांधने के बाद भोले बाबा को भी बांध दी, और इसके बाद तानी ने बांधी अपने पापा को राखी। तो पापा के लिए भी हम लोग बहुत अच्छी, इस बार मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ आई थी। मतलब हर मौसम, हर रक्षाबंधन पर मतलब अलग अलग तरीके की राखियाँ आती हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ आती हैं और हर बार बदल कर आती हैं। तो इस बार हम लोग लाए थे गणेश जी वाली राखी, जिनमें कि गणेश जी बने हुए थे। और भगवान जी के लिए तो अलग से छोटी छोटी राखियाँ जो चलती हैं वो लाए हुए थे। तो बस राखी बंधवाने के बाद फिर होने लगी पैसे की डिमांड कि पैसे लाइए। और यहाँ पर तानी बांधती अपने पापा को, अपने दादू को और अपनी बहनों को राखी, क्योंकि ये सब इनकी रक्षा करते हैं। और भगवान जी को राखी, क्योंकि भगवान जी भी हमारी बहुत रक्षा करते हैं, सबसे ज़्यादा भगवान जी रक्षा करते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे उठने नहीं दे रही थी वो देने के लिए, फिर उनके पापा ने दिए इसको पैसे और अब हो गए तानी हैप्पी। इतनी खुश हो गई है पैसे मिल गए तो। और अब आ गया है पापा का नंबर, मतलब दादू का नंबर। तो अब दादू को बांधेगी तानी राखी। तो फ्रेंड्स, जैसे हम तानी अपने दादू को और अपने पापा को राखी बांधती है, पहले ऐसे चलन नहीं था, पहले ऐसे ही था कि भाइयों को ही सिर्फ राखी बांधते थे। पर मैं भी अपने चाचा को राखी बांधती थी जब मैं छोटी थी। इसके बाद जब चाचा के बच्चे हो गए फिर उनको राखी बांधने लगे हम लोग। तो फिर कमी नहीं हो मतलब महसूस होती थी। अब तो 15 साल हो गए हैं लगभग, मैंने राखी तो किसी को बांधी ही नहीं है। बस ये है कि एक बार बस अभी होली पे पहुंची थी, लॉकडाउन के पहले तो होली पे पहुंची थी, तो बस मैंने टीका किया था होली की डोज पे। बाकी और टाइम हो नहीं पाता है क्योंकि इतनी दूर है मेरा मायका, तो जाना आना हो नहीं पाता है। इसलिए मैंने 15 साल से किसी को राखी बांधी नहीं है। बस ये है कि राखी कभी कभार चली जाती है किसी के हाथ से तो उन लोगों को बन जाती है। बाकी शादी के बाद तो ऐसे ही होता है, लगभग सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरे साथ का ये हाल नहीं है, हर किसी के की ये प्रॉब्लम है कि अधिकतर बहनें मतलब अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाती हैं शादी के बाद। तो यहाँ पे हो गया था इन लोगों का राखी रक्षाबंधन। फिर इनकी तानी की बहनें आ गई शाम को। बांधो 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 बेटा, चलो चलो देखो मामा क्या।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर गौरी और आर्या बांध रही थी अपने बड़े पापा को राखी, और बड़े पापा को ये हर साल बांधती हैं राखी। और इस तरह से हमारा रक्षाबंधन रहा। आपका रक्षाबंधन कैसे रहा? और फिर इसके बाद हम लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, मतलब मैं और नीतू, तो हम लोगों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी। तो इस तरह से हमारा रक्षाबंधन मना। आपका रक्षाबंधन कैसे मना ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कैसा वीडियो आप लोगों के लिए मुझे बनाना है वो भी ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। दो तीन बार उसे कर देना।